Krishnarao Shankar Pandit ji is one of our senior most musicians and also the greatest exponent of Gwalior gharana. In many ways he reminds me of my late guru Baba Ustad Alauddin Khan Sahab. Like Baba, he has strong principles in life and he is totally dedicated and sincere to his music. I have always admired him and always will admire him. May God give him long life. Parmatma ki kripa se hum 94 varsh mein bhi sangeet ki seva kar rahe hain. आप लोगों ने ग्वालियर घराने की गायनी सुनी है क्या? जी हाँ, बहुत सुना है, इसलिए फिल्म बना रहे हैं। आप फिल्म बनाते जाइए, हम गाते जाएंगे। किंतु विजय किट कुछ और ही था। बंबई में बहुत बड़ा सम्मान पाकर वापस लौटने पर 22 अगस्त 1989 को पूज्य पिताजी पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी अपने असंख्य प्रेमियों को छोड़कर नाद ब्रह्म में लीन हो गए। अपनी दीर्घ तपस्या से उन्होंने ग्वालियर परंपरा को उच्च शिखर पर पहुंचाया। महात्मा गांधी जी को गाना सुनाने का उनको दो बार गौरव प्राप्त हुआ। पहला अवसर था अहमदाबाद में जब सरदार पटेल भी हाजिर थे। दोनों ने उनका गायन सुन के बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। दूसरा अविस्मरणीय प्रसंग था सन 1919 में। महात्मा जी अमृतसर कांग्रेस से सीधे पधारे जालंधर संगीत समारोह में और मंच पे थे संगीत के तीन महात्मा रामकृष्णबुआ वजे, भास्करबुआ बखले और कृष्णराव शंकर पंडित। हमारा ग्वालियर जो है संगीत की गंगोत्री है, यहाँ बच्चा भी रोता है, वो हवी स्वर में रोता है। ग्वालियर संगीत परंपरा की स्थापना राजा मान सिंह तोमर ने की। इन्होंने झुमर गायन शैली को एक नया मोड़ दिया।
उनके पत्नी ने इस कार्य में बहुत योगदान दिया, जिनके नाम पर गुजरी महल बना। संगीत सम्राट पानसेन ने इस परंपरा को शिखर पर पहुंचाया। इसके बाद चार गायकी का दौर चला। नक्षत्र विवश मियां ने अपने नातियों को उस्ताद हसुखा हद्दू खा लच्छू खा इनके द्वारा बहुत प्रचार किया। हद्दू हसू न सुखा के समाधि पर संगीत समारोह मनाए जाएंगे। और यहाँ से असुर की धारा हमारे यहाँ आई। मेरे पिता शंकर राव पंडित, चाचा एकनाथ पंडित, गोपाल राव पंडित, इन्होंने हद्दूखा नत्थुखा से तथा निसार सेन खा से गायन सीखा। मैंने अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय शंकर राव पंडित और स्वर्गीय उस्ताद निसार सेन खा साहब से संगीत सीखा। पंडित जी इज ए पास्ट मास्टर इन द डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज नोन एज राग बंदिश इन ऑल इट्स ब्यूटीज एंड नाइसिटीज लाइक आलाप बोल आलाप Behlava, Tan, and other virtues. संगीत की शिक्षा कुरुशिष्य परंपरा से ही संभव है, ऐसा पूज्य पिताजी मानते थे। हम सब भाइयों के साथ साथ सभी शिष्यों को उनका अपार स्नेह प्यार और तालीम मुक्त हस्त से मिलती रही।
शुरू से ही आने वाले पीढ़ियों को संगीत शिक्षा दिलाने में पंडित जी बहुत उत्सुक थे। इसी कारण ग्वालियर में उन्होंने 1914 में अपने पूज्य पिताजी के नाम पर शंकर गांधर महाविद्यालय की स्थापना की, जिसका कि आजकल संचालन कार्य मेरे छोटे भाई श्री चंद्रकांत पंडित कर रहे हैं। हमारे घराने के संगीत की देन को सिखाने के लिए हम यहाँ के विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करवाते हैं, और इसके साथ साथ हमारी योजना है कि इस संगीत निधि को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाया जाए। यहाँ पर प्रति गुरुवार को हम संगीत की महफिल भी आयोजित करते हैं। Oh,
पंडित जी के पास दुर्लभ बंदिशों का बहुत बड़ा खजाना था। उनके अंत समय तक उनके वरिष्ठ शिष्य भी संगीत का ज्ञान प्राप्त करने अक्सर ग्वालियर आया करते थे। महाकाय सूर्य कोटि समग्र निर्विघ्नम पूर्णे जीव सर्वदा शुभ कार्येषु नास्ति तु साम्य मंगलम एषाम् सो भगवान मंगलाय तं नम हरि जय जय नायक जय जय भगवान की जय श्री परमात्मा महाप्रण पत्नेशमाचार्य गोविंदाय नमो नमः नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मा महाप्रण पत्नेशमाचार्य गोविंदाय नमो नमः। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। अपनी बहुवस्तुता के बावजूद पंडित जी अपने पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। वे हमें कभी कभी पिकनिक पे ले जाया करते थे और वहाँ ग्वालियर की पुरानी बात जो कि उन्हें अपने उनके गुरुओं ने उनको बताई थी उसके बारे में हम बताते हैं। किस प्रकार से उनको तालीम मिली है या ग्वालियर का क्या ऐतिहासिक महत्व है वगैरह वगैरह इस सब बातों पर वे इन पिकनिक्स पर हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी देते। फिर वो ऊपर तो रह नहीं सकती थी क्योंकि ऐसा है कि रानी यहाँ ऊपर रहती थी फिर नीचे उसके लिए गुजरी महल बनाया। हाँ जो आजकल वो है पुराने चित्र रखे हैं वहाँ उन्होंने बनाया। मैंने तो 80 साल साधना करके संगीत की सेवा की और माँ सरस्वती की कृपा से कई उपाधियाँ और मान सम्मान मुझे मिले। इस नाद ब्रह्म की उपासना से उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तो और क्या चाहिए। Yeah,